हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यक्षुण मम्मा। कैसे हैं आप सब? आई हो बहुत अच्छे होंगे। तो आज गुड मॉर्निंग हो चुकी है और अभी हम लोग धाम में हैं, श्री श्री राधे धाम में, और सब लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं राधा रानी मंदिर बरसाना। तो आप लोग को भी लेके चलेंगे। प्लीज़ ब्लॉग में बन रहिएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा ब्लॉग को। दिखाते हैं आपको आज का बरसाने मंदिर, राधा रानी मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं वहाँ पे एक राधे कृष्ण के मंदिर भी है। तो यहाँ पे यक्षित प्रणाम कर रहे हैं और बाहर का व्यू बहुत ही अच्छा है। गार्डनिंग है, आप लोग बैठ सकते हैं शाम के टाइम, सुबह के टाइम। तो हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, दो दिन रुके और अभी जा रहे हैं राधा रानी मंदिर, फिर शाम को फिर वापस आएंगे। और यहाँ पे रास्ते में हम लोग को देखिए वैष्णो माता का मंदिर है यहाँ पे। तो अभी तक मैं यहाँ नहीं गई हूँ, जाऊँगी तो ज़रूर दिखाऊँगी अपने ब्लॉग में। तो रास्ते में पड़ता है और माता जी, इतनी सुंदर छवि माता जी की दिखती है, जय माता दी। तो बस अभी हम लोग बरसाने जा रहे हैं और आप लोग को भी लेके चल रहे हैं। प्लीज़ राधे राधे कमेंट में कर देना आप लोग, राधे राधे। तो यहाँ पे हम लोग रास्ते में जा रहे थे और हमें छोटा सा टर्टल दिखा, तो यक्षित को दिखाने के लिए यक्षित के पापा गाड़ी रोक के और गए दिखाने के लिए, और इतना क्यूट लग रहा था चलते हुए। तो यहाँ पे यक्षित देख रहे हैं और वो रोड के बीच में आ गया था, तो मैंने बोला साइड में करने के लिए, तो बस वो अपने जगह पे चला गया है। और इतना अच्छा मौसम हुआ था ना, पूरी ग्रीनरी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ग्रीनरी इतनी ज़्यादा पसंद है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा वेदर था आज का। तो फिर अब हम लोग आ गए हैं बरसाना में, एंटर होने वाले हैं और आप लोग को लेके चलते हैं। राधे राधे। पर राधा रानी के मंदिर जाने के लिए इतनी तेज धूप हो गई थी कि मतलब हालत ख़राब हो गई है। तो आप लोगों को चढ़ाई भी करनी पड़ेगी। फिर ये जो हमारा पीछे का गेट है वहाँ से हम लोग गए ऊपर मंदिर में, और यहाँ पे हमें एक माता जी मिली जो कि बहुत ही अच्छी बातें बता रही थी। तो बस हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए भी रुक गए और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताईं कि जो भी सनातनी हैं वो उनको कैसे रहना चाहिए। तो जो भी हमें बड़े बुज़ुर्ग लोग मिलते हैं तो अगर अच्छी बातें बताते हैं तो उसे सुनना चाहिए और उसको फॉलो भी करना चाहिए। तो बस हम राधा रानी मंदिर में आ चुके हैं, राधा रानी के मंदिर पहुंच चुके हैं। और आप लोग देखिए पीछे का रास्ता है। जय श्री राधा रानी। और दर्शन करने के बाद हम लोगों ने गौशाला का भी दर्शन किया। तो हमारे पंडित जी हैं, जहाँ हमारा होम टाउन है वहाँ से ही हैं ये, और यहाँ पे वृंदावन में बस गए हैं। तो इन्होंने हमें बहुत सारे गौशाला के दर्शन कराए और गैया गौ माता जो हैं उनके भी हम लोगों ने कुछ खिलाया और फिर देखा। और बस आज बहुत ही अच्छा लगा हमें इतनी सारी गौ माताओं को एक साथ। तो राधा रानी मंदिर का दर्शन करने के बाद हम आ गए प्रेम मंदिर, और अभी अच्छे मतलब पूरी तरीके से शाम नहीं हुई थी, तो दिन में ही, हर बार हम लोग रात के टाइम आते हैं यहाँ पे तो उतना ज़्यादा अच्छा दिख नहीं पाता है। तो इस बार हम लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन किया और देखा। तो अभी ऑटो में हैं हम लोग और आप लोगों को प्रेम मंदिर लेके चलते हैं। तो ये रहा कृपालू जी महाराज का प्रेम मंदिर और आप लोग भीड़ देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी लाइट वगैरह नहीं जल रही है क्योंकि अभी दिन है और कृष्ण जी की और राधा जी की सारी लीलाएं यहाँ पे देखने को मिलेंगी आप लोगों को। तो कहीं कहीं पे लाइट्स वगैरह धीरे धीरे जलाया जा रहा है, बट पूरा अंधेरा नहीं हुआ है। और ये कालिया नाग का जो है, देखिए कान्हा जी कैसे घूम रहे हैं। तो आप लोग इस बार अच्छे से देख पाएंगे प्रेम मंदिर का व्यू। हर बार रात के टाइम मैं जाती हूँ तो अच्छे से दिखा नहीं पाती हूँ।
राधे कृष्णा रास लीला करते हुए यहाँ पे, और गोवर्धन पर्वत वहाँ दिख रहा है। हमारा है पट्टा पकड़ा है। कहाँ चला गया? कहीं बिछड़ गया होगा, बहुत ज्यादा रश है। शर्ट पहना के बाहर है, और यहाँ पे शाम के टाइम राधा रानी जी और कृष्ण जी की पालकी निकली थी, इसमें भी हम लोग शामिल हो गए और राधे गोविंद का जाप करते हुए हमने परिक्रमा किया। बहुत ही अच्छा लगा, तो फर्स्ट टाइम ऐसे परिक्रमा में शामिल हुई। तो उसके बाद यहाँ पे शाम को ये वाटरफॉल जो लाइट शो होता है ये भी दिखाया जा रहा था, हम लोगों ने थोड़ा सा देखा। और डैडी जी नहीं आए क्योंकि उनके पैर में थोड़ा दर्द हो रहा था, तो वो धाम पे ही रुक गए। और फिर अब हम लोग यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह खा रहे हैं, फिर अब धाम पे जाएंगे। आई होप ब्लॉग पसंद आया होगा, प्लीज़।